तेज हवा का झोंका आया और पल में पूरा घर बिखर गया, पर इसमें घर का कसूर भूल तो मेरी ही है जो मैंने दरवाजा खुला रख दिया। दरवाजा बंद रख दी तो न तेज हवा आती और न घर बिखरता। अपने घर को महफूज रखना हो तो तेज हवाओं के सामने दीवार बन के खड़े होना पड़ता है, वरना हाथ में कुछ नहीं आता। आता है तो सिर्फ कुछ बिखरे हुए अरमान, कुछ टूटे हुए रिश्ते, तुमने जो किया वो ठीक नहीं था। कोर्ट में आग लगा दी, एक बार भी नहीं सोचा अगर वेदिका को कुछ हो जाता तो क्या करता मैं? हाँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुमने कभी ये सोचा कि अगर मैं आग नहीं लगाता तो क्या हो सकता था? अब तक तुम मिसेस निहारिका रायजादा बन चुकी होती। पर अगर वेदिका को कुछ हो जाता तो निहारिका का पूरा वजूद खत्म हो जाता। तुम जानते हो मैं कितना प्यार करती हूं उसे। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। हाय हाय, मुझे तो तरस ही तरस आ रहा है उमा जी पर। कितनी सैड सैड और उदास उदास लग रही थी। हाँ भाई, जिनकी बेटी को दौरा पड़ता है उनका दिल तो टोटे टोटे हो ही जाएगा ना। इतने मोटे मोटे आंसू बह रहे थे वहां हॉल में। पता नहीं वो आंसू असली थे या मगरमच्छ के। मगरमच्छ के आंसू? ये क्या कह रहे हो जी आप? जिनकी बेटी को दौरा पड़ता है ना वो हंसेगी थोड़ी ना, भर भर के रोएंगी ना। पागल बेटी के लिए नाटक करना ही पड़ता है तितली। ये लंबी चौड़ी बातें ना मेरी समझ के बाहर है। आपकी गुंजन मुंजन बातों ना मेरी डेथ ही हो जाएगी। मेरी बटरफ्लाई, मुझे लगता है ये माँ बेटी मिलके कोई गहरी चाल चल रही है। हाँ? चाल? जरा सोच। निहारिका आती है और कहती है कि पहले वेदिका और ध्रुव की शादी होनी चाहिए। हाँ? सही है। हाँ? वेदिका और ध्रुव की शादी हो जाती है, वो पागल हमारे घर की बहू बन के आ जाती है। हाँ? उसके बाद जब अंतरिक्ष और निहारिका की शादी की बारी आती है, कोर्ट में आग लग जाती है। हाँ, मतलब सैंपल भिजवाया असली डायमंड का और घर भेज दिया अमेरिकन डायमंड। सैंपल वदिया ते माल घटिया, यही कह रहे हो ना आप? बिल्कुल यही कह रहा हूँ तितली, तेरे दिमाग में आ गई बात? अब ये बात मैं दीदी को जाकर समझाती हूँ। नहीं, 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 राजधानी एक्सप्रेस अभी नहीं। क्यों? ये बात दीदी के कान में अभी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन ध्रुव के गले में पड़ गई ना मुसीबत। हाय बेचारा। हाय दीदी, कितना अच्छा नाश्ता लगवा रही हैं आप।
पर बात तो तब बने ना जब ये बाहर लोग हमें कोई बड़ी सी डील देकर जाए। ओ, तितली, तुम्हें तो बिजनेस वुमन बनना चाहिए था। हाँ? मेरे बाबूजी करतार चंद सिंह जी रब उनकी आत्मा को स्वर्गों में रखे कहा करते थे तितली तुम लाइफ में बड़े बड़े काम करेगी। अच्छा एक काम करो जरा किचन से जाके फ्रूट लेकर आना मैं सबको नाश्ते के लिए बुलाती हूँ। कर ले लाइफ में बड़े बड़े काम तितली किचन से जाकर फ्रूट लेकर आ। आइए एवरीबॉडी ब्रेकफास्ट इज रेडी। बड़न मिस्टर रायजादा आप वेदिका माय डॉटर इन लॉ गुड मॉर्निंग वेदिका। निहारिका निहारिका आ जाएगी थोड़ी देर में आ जाएगी। निहारिका ने कहा था दोनों साथ साथ। हाँ वो मामा पास निहारिका मामा पास वेदिका मैं हूं ना मैं भी मम्मा हूं ना। निहारिका मम्मा पास। ओके चलते हैं मेरे साथ चलोगी मम्मा के पास। थोड़े पालक के टमाटर मम्मा ये टमाटर लेने हैं क्या। मम्मा क्या बात है कहाँ खोई हुई यहाँ। वेदिका के बारे में सोच रही हूँ नया घर नए लोग बिल्कुल अकेली फील कर रही होगी। रिलैक्स हम अभी उससे फोन पे बात कर लेते हैं। ना भैया 50 ये Thank you.
आप पेंटिंग तो बहुत अच्छी करती हैं। ये पेंटिंग्स मैंने नहीं, वेदिका ने बनाई हैं। ये पेंटिंग वेदिका ने बनाई है? हाँ, बहुत टैलेंटेड है हमारी वेदिका। ये सारे मेडल्स, ये ट्रॉफीज उसने तो जीते हैं। बास्केटबॉल में, कॉम्पिटिशन्स में, स्कूल कॉलेज में कोई गेम, कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं थी जिसमें उसने हिस्सा ना लिया हो। बस लेकिन अब तो फिर अब वेदिका ऐसी क्यों? बताइए ना प्लीज। एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी ये हालत हो गई। आई नो वेदिका को संभालने में तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन अब बस 3 दिनों की ही बात है। निहारिका वहां हमेशा के लिए आ जाएगी, फिर दोनों बहनें साथ साथ रहेगी। वेदिका का निहारिका के साथ मन लग जाएगा। इतनी टैलेंटेड लड़की की एक एक्सीडेंट की वजह से ये हालत, पर क्या इसकी इस हालत का जिम्मेदार वो एक्सीडेंट ही है या और कुछ बात है जो शायद मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। मैं वेदिका के बारे में सब कुछ जान लेना चाहता हूं, क्योंकि जब तक मैं वेदिका को समझ नहीं पाऊंगा तब तक मेरे और वेदिका के बीच एक अनजाने से डर की दीवार खींची रहेगी। वेदिका, मैंने तुम्हें एक बात बताई नहीं, यही कि मैं भी बहुत अच्छी बास्केटबॉल खेलता हूं। इनफैक्ट स्कूल और कॉलेज में मेरी टीम्स भी थी। अच्छा वेदिका, तुम मुझे पेंटिंग बनाना सिखा सकती हो? अच्छा ये बता, तुम मेरा फेस ड्रॉ कर सकती हो? बंदर का फेस ड्रॉ कर सकती हो? वैसे मेरा और बंदर का फेस एक जैसे ही है। वेदिका, वेदिका, थैंक गॉड। वेदिका क्या हुआ? भैया 2 नारियल पानी। अब लीजिए। कितना हुआ? 12 रुपये। वेदिका, अरे भाई साहब, मेरे साथ एक लड़की थी ग्रीन साइड में, देखा आपने उसको? अरे भाई साहब, मेरे साथ एक लड़की थी, देखा आपने? माय गॉड, वेदिका, 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 वेदिका।
हेलो ध्रुव। हाँ माँ बोलिए। वेदिका ठीक तो है ना? जी हाँ वो एकदम ठीक है, मेरे साथ ही है। अच्छा तो जरा बात करवा दो। माँ वो वेदिका अंदर रेस्टोरेंट में है और अंदर फोन कैच नहीं करता और मैं खुद बाहर आकर बात कर रहा हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जरा जल्दी आ जाना, तुम दोनों का इंतजार हो रहा है। ओके जी माँ, बस हम पहुँच ही रहे। कहाँ हो वेदिका, कहाँ हो तुम? शंख चक्र धरा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते।